यहाँ से की हमने एंट्री, ये देखिए ये इधर अंदर अच्छा सा लेक है, इसमें नहा आ भी सकते हैं। खूबसूरत सा बैनियन ट्री, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो खैर गाइस, बाकी लोग तो सामान लेके कंफ्यूज हो गए, कौन लेके जाएगा सामान अंदर, तब अंदर आएंगे। तो मैं सबको बुला रहा हूँ, चलो 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 चलो, कोई आने नहीं मांग रहा, इसलिए मैं अकेले जा रहा हूँ। क्योंकि द ग्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि ज्योति तो डाक छुने क्यों ना आशे, तो अभी अकेला चलो रे। सो आई एम वॉकिंग अलोन राइट नाउ। आई थिंक अंदर कहीं हम लोग का रूम होगा। ब्यूटिफुल। तो इसमें है, इधर है हमारा रूम, इसमें दो रूम है टोटल। अतिशा तुमको कैसा लगा जगह? बहुत ही अच्छा। मेन थिंग इज कितनी ज्यादा शांति है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यार। इधर एक बालकनी भी है। इस रूम में मैं और पापा रुकने वाले हैं, उधर पापा भी हम लोग जाएंगे लंच करने। इधर एक छोटा सा बालकनी है, बहुत ही छोटा सा बालकनी। बहुत तेज दरवाजा बंद हो गया। खैर सही है, यहाँ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो सुबह के लिए एक्साइटेड हूँ, सुबह 7-8 बजे उठेंगे, मस्त चाय पियेंगे यहाँ पे, विंटर के टाइम में मज़ा आने वाला है यार। पार्किंग का भी काफ़ी अच्छा जगह मिल गया है, ये देखिए एकदम खुला, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे पार्किंग के लिए। देख रहे ये पूरा पार्किंग है, और वो सामने हम लोग का होटल, रहने का जगह। वो जो सामने दिख रहा है वो हम लोग का रूम है। जगह का नाम है झारग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। हम लोग लंच ब्रेकफास्ट सब करने इधर आएंगे, और रहने के लिए इधर यहाँ पे। ये एकदम झारखंड के बॉर्डर पे है, अच्छा जगह है। अभी तो जस्ट अभी पहुँचे हैं, तो अभी तो पूरा व्लॉग पड़ा, आई थिंक 2 या 3 पार्ट में ये व्लॉग आने वाला है, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। ये भी हम लोग डाइनिंग एरिया में है। पीछे देखो कितने सारे डक्स हैं, बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन, सुंदर सा जगह है। यहाँ सामने फिर एक और पॉन्ड भी है, बहुत सही है। ये तो और भी अच्छा लग रहा है, दिखाता हूँ होल्ड ऑन। तो ये वही हम लोग का डाइनिंग एरिया का बैक साइड। अरे ये हमारे रूम है, रूम्स है क्या? नहीं नहीं, ये हम लोग का रूम उस तरफ है, दो दो करके रूम्स है। ये भी एक पार्क है मस्त सा, वो एक्चुअली एक तरह का एडिशनल कॉम्प्लेक्स है, क्या सकते इस कॉम्प्लेक्स का एक्सटेंडेड एरिया। लेकिन यहाँ पे लोकल जो लोग आते हैं, जल्दी जादू दिखाता, जादू जादू जल्दी जल्दी का जादू वहां से उड़ के यहाँ पे ही आ गया क्या? जादू का मुंह थोड़ा सुअर जैसा हो गया। अच्छा यहाँ पे देखे नीचे, यहाँ पे फोटोज ले सकते हैं। मजा आ गया यार, ये सब ट्रिप्स के लिए आई एम ऑलवेज ऑन। सोचा यार यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, यार नाश्ता कुछ कर पाते हैं। तो इधर आई थिंक और रूम्स वगैरह है, जैसा हम लोगों का उधर सिंगल सिंगल ब्लॉक टाइप का कॉटेज टाइप का बना हुआ है, जिसमें हर एक समझ लो इस ब्लॉक में दो दो करके रूम का सेट है। तो हम लोगों का रूम है एकदम उस तरफ, बाउंड्री के उस पार एक तालाब है उधर है, और ये इधर भी और रूम है। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, ह्यूज। तो खैर इधर है डाइनिंग एरिया, उधर पे चलते हैं हम लोग वापस। ये देखो छोटा सा ब्रिज, एक डक आ गया है रास्ते में।
तो रिसोर्ट का साइट सीइंग तो बहुत कर लिया, खैर अब चलते हैं अंदर खाना खाते हैं। ये एंट्रेंस, यस ये इस एक्वेरियम में फिश का साइज देखो, अत्रिशा के मुंह से ही बड़ा है ये फिश। तो गाइस खाना तो हो गया, आप थोड़ा सा धूप खा रहे हैं इधर पे। अभी वो पीछे डाइनिंग एरिया दिख रहा है, इधर मैं पार्किंग एरिया में हूँ, धूप धूप खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि 4-5 घंटा लगातार ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर यहाँ का जब मैनेजर आएगा तो उससे पूछेंगे कि आसपास अगर कोई घूमने की जगह होगा तो हम लोग आसपास वाली घूमने की जगह आज घूम लेंगे, बाकी फिर कल में। आज रात को हम लोग यहाँ रुकेंगे, कल रात को हम लोग यहाँ रुकेंगे, परसों हम लोग यहाँ से वापस बैक टू कोलकाता। खैर दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, देखिए। अच्छा ये डक के बारे में एक चीज़ मैंने सुना है कि ये डक्स ना अटैक करती हैं और बहुत गंदा वाला काटती भी है, तो इनसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने में ही भलाई है। वो उधर पे वो रहा हम लोगों का रूम्स। खैर थोड़ा धूप खाता हूँ फिर चलता हूँ रूम की तरफ।